नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण। प्रथम पाठ में हमने दिशा एवं दूरी से संबंधित सवाल हमने पढ़े थे। इसी क्रम में ये सेकंड पार्ट है दिशा परीक्षण का। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि परछाई से संबंधित, यानी कि छाया से संबंधित, शैडो से संबंधित किस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कम से कम समय में उनको हम आसानी से कैसे हल करें। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको समझेंगे ढंग से ताकि एक दो सवाल करने के बाद ही आपको सारा का सारा जो मेथड है वो समझ में आ जाए। जितने भी परछाई से संबंधित सवाल है वो सारे आपके समझ में आ जाए। कोशिश रहेगी एक सवाल में आपको सारा समझ में आ जाए। तो देखते हैं किस प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, मैंने ये सवाल बोर्ड पे लिख दिया है। इसके अनुसार आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में मिलेंगे। देख रहे, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। बगीचे में प्रातः काल सुबह के टाइम सोहन और मोहन एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। यानी कि सोहन तो मान लो इधर से आ रहा है और मोहन इधर से जा रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे मुंह करके आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाई ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। ये उत्तर है, पूछ रहा है हमसे, और उत्तर दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो हम जैसा सवाल कहता जाता है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। मान लिया जाए कि ये मोहन है, मान लो ये मान लो मोहन है जिसका इधर मुंह है, ये मान लिया मैंने इधर। ठीक है, और ये मान लिया सोहन है, ये मैंने क्या बनाया मोहन, और ये मैंने बना दिया मान लो सोहन। माना कि सोहन का मुंह इधर है, तो दोनों का मुंह आमने सामने हो गया। ठीक है, सवाल ये तो बोल रहा है कि मॉर्निंग के टाइम प्रातः काल के समय सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। यानी कि एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखा है और ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये मैंने मान लिया मोहन है और ये मान लो सोहन है, दोनों का मुंह एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है वो सुनिए। तो सोहन ने देखा, किसने देखा, सोहन ने। ये सोहन देखेगा किसकी तरफ, देखेगा मोहन की तरफ। तो उसने इसने क्या देखा सोहन ने, कि मोहन की जो परछाई है ना मोहन के दाई ओर पड़ रही है। जो इस मोहन की जो शेडो जो परछाई पड़ेगी वो किधर पड़ रही है, इस मोहन के दाई ओर। अब आप बताओ इस मोहन का दाई ओर किधर होगा, इधर होगा। इधर तो क्या होगा लेफ्ट, इधर क्या होगा राइट। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा क्या होगा लेफ्ट, ये क्या होगा राइट, यानी कि ये बायां ये दायां। तो मोहन का दाया किधर है, इधर। तो इस सोहन ने देखा कि मोहन की जो परछाई है वो किधर पड़ रही है, मोहन के दाएं तरफ। तो मान लिया जाए इसकी छाया जो है, ये छाया जो इधर इधर आ रही है, ये मान लिया। आगे क्या कह रहा है देखो, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। यानी कि मोहन जो है उसका मुख किधर है, तो उसका मुंह तो इधर है, इसकी हमको दिशा बतानी है। ठीक है, ये पूछा है हमसे। अब आप एक बात बताओ मित्रों, जैसे छाया इधर पड़ रही है, तो छाया जिस तरफ से सूरज उग रहा है उसके उल्टी तरफ पड़ती है, तो सूरज उगता है प्रातः काल पूरब की ओर, तो इधर तो मान लो पूरब है। ठीक है, तो इधर जो छाया पड़ेगी तो ये क्या होगी, पश्चिम। ठीक है, समझ में आई बात आपके। अब जो मैंने आपको बताया था पहले भी, दोबारा देख लो कि दिशा इस प्रकार से होती है। ये तो होता है उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये क्या होता है पश्चिम। तो इसके अनुसार इसका मुंह किधर है, आप देख लो मोहन है वो इधर देख रहा है, तो इधर मतलब किस दिशा की तरफ देख रहा है, वो दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। इस प्रकार के सवाल हमको एग्जाम में देखने के मिलते हैं। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के सवाल हम एग्जाम में हमको देखने के मिलते हैं। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना दोस्तों। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी अच्छी बुक है। पहले मैंने बताया आपको ये
कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको, अच्छी बुक लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। काफ़ी टाइम से शायद ये सवाल, ये जो पुस्तक है मेरे पास 2009 की प्रथम संस्करण था और 2014 का इसका चतुर्थ संस्करण था। 2014 में परचेज की थी मैंने बुक, तो ये बहुत अच्छी बुक है रामनिवास माथुरिया की, तर्क शक्ति की। इसमें से आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और भी बुक्स हैं मार्केट में, कम नहीं है, लेकिन ये बुक मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ। आप इसमें से सवाल देखिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए नए आए हो तो। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।